ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. पृथ्वी, कैन यू ड्रॉप ए मैसेज इन द ग्रुप? आफ्टर 9 o'clock आई विल नॉट अलाउ. यस सर, आई विल ड्रॉप. ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ. आपकी कल कल तक आपने क्या पढ़ लिया था? तो मोस्टली कल एक्चुअल में आपका जो थर्ड यूनिट्स में एंगुलर मेजरमेंट जो रिमेनिंग था, उसका एक तो क्या क्या टेक्निक्स और मेथड्स, फिर उसके बाद में अपन ने ट्रेवर्स के बारे में पढ़ा था. और पर्टिकुलरली ट्रेवर्स के अंदर तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपन ट्रेवर्स पढ़ेंगे. ट्रेवर्स सर्विंग में फर्स्ट इज कंपास ट्रेवर्सिंग, सेकेंड इज थियोडोलाइट, एंड थर्ड वन इज प्लेन टेबल सर्विंग. देन इसके बाद में कुछ फर्स्ट स्टार्टिंग डेफिनेशंस देखे थे कि वन डी फील्ड वर्क में अगर नॉर्मली क्या क्या मेन स्टेशन होते हैं, टाई स्टेशन क्या होता है, मेन सर्वे लाइन क्या होती है, टाई लाइन क्या होती है, बेस लाइन, चेक लाइन, ऑफसेट, चेन एज. ओके, तो मोस्टली ये आपका बेसिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है कि भाई मोस्टली आप होल टू द वर्क जो है वो कंसिडर करते हो. देन कुछ ट्राइंगल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, चेक लाइंस कैसे फाइंड आउट करते हैं इन दी ऑफिस ऑफिस वर्क में, कॉस रूल और साइन रूल. फिर सेकंड जो था अपना एंगुलर मेजरमेंट्स में, थर्ड और फोर्थ जो मेथड है ऑफ द सेकंड प्रिंसिपल्स वो कंसिडर करते हैं इसके अंदर. फिर उसके बाद आते हैं अपन ट्रेवर्स सर्विंग के बारे में. तो सक्सेसिव जो आप लाइंस क्रिएट करते हो और थ्रू दी वन लीनियर मेजरमेंट एंड वन एंगुलर मेजरमेंट और एक फ्रेमवर्क कंसिडर करते हो, इसको ट्रेवर्स बोलते हैं. और ये जो लाइंस होती हैं इसको ट्रेवर्स लाइंस बोलते हैं. और दे आर द टू टाइप्स ऑफ द डिपेंडिंग ऑन द वर्क्स. वन इज द क्लोज ट्रेवर्स एंड सेकेंड इज ओपन ट्रेवर्स. तो क्लोज ट्रेवर्स के लिए कंडीशंस थी कि इट मे बी लूप टाइप, मींस जहां से आपका ओरिजिन है वहीं से वापस स्टार्टिंग होके एंडिंग पॉइंट वहीं पे रीच करें, तो उसको लूप ट्रेवर्स करते हैं. सेकंड जो है स्पेशल टाइप की कंडीशन थी जिसमें जहां आपकी ओरिजिन और डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का यू हैव ऑलरेडी नोन वैल्यू आइदर द एलिवेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, देन यू कैन सक्सेसिव लाइन बाय एंगल एंड लीनियर मेजरमेंट. Then you can draw a closed traverse. But in case of the open traverse, you have not find out the last destination point in terms of the elevation, latitude or longitude. Mostly, मैंने इसके example बताया था for the highway engineering road. जब normally alignment चलता है road का, जब first survey किया जाता है, तो ये open traverse के through करते हैं और either इनकी your crude line, pipes line के लिए. यहाँ तक किसी को दिक्कत? If you have any queries related to yesterday topic, then today will class start. Yes, Dhanesh, is all my voice is audible to all of you, na? Prithvi? Yes, sir. Okay. Okay, I will start. I am starting the class. Okay. देखो, आज की जो क्लास है वो मोस्टली कंपास ट्रेवर्स के बारे में रहेगी. ये एक्चुअल में आपका बेस बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ. एक्चुअल में ये सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ दी आपको एंगल्स मेजरमेंट, मेरिडियन, बेयरिंग और डेजिनेशन ऑफ दी बेयरिंग्स, रिड्यूस बेयरिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बेयरिंग क्या होती है, फॉर बेयरिंग, बैक बेयरिंग क्या होती है, तो ये टर्म्स जो है वो आगे फर्दर छोटे लाइफ जब ट्रेवर्सिंग या फिर प्लेन टेबल ट्रेवर्सिंग पढ़ेंगे तो उसमें मे बी ये आपसे बार बार ये जो फैमिलियर होंगे इससे, तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दी छोटे लाइफ ट्रेवर्स एंड प्लेन टेबल ट्रेवर्सिंग. ओके, तो फर्स्ट जो है इसमें कंपास ट्रेवरिंग है मेजरमेंट्स ऑफ एंगल. अब एक्चुअल में एंगल मेजर करने के लिए
डायरेक्टली यू कैन शो दे कि अपन एक यूज करते हैं मैग्नेटिक कंपास, और इसमें सर्विंग में दे आर द टू कंपास यूज करते हैं मोस्टली. फर्स्ट इज प्रिज्मेटिक कंपास एंड सेकेंड इज सर्वियर कंपास. ये डिपेंडिंग होता है कि बियरिंग आपको कौन सी मेजर करनी है, और बियरिंग जो वर्ड्स है उसके बारे में भी देखेंगे. सेकेंड है मेरिडियन. कुछ पार्ट्स जो है ये मेरिडियंस कवर करेंगे कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन वर्ड क्या है, फिर बियरिंग्स क्या होती है सर्विंग में इन टर्म्स ऑफ, फिर इनकी डिजाइनेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप बियरिंग्स को, फिर पर्टिकुलर बियरिंग को रिड्यूस कैसे करते हैं, फिर एक आता है बैक बियरिंग और फोर बियरिंग, तो उसके बीच में रिलेशंस कुछ इस टाइप से अपनी आउटलेट्स रहेगी. ओके, तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कंपास ट्रेवर्सिंग में मेजरमेंट ऑफ एंगल. अब एक्चुअल में एंगल मेजर करने के लिए यू हैव फर्स्ट ए रेफरेंस लाइन. मीन्स आपके पास जब तक रेफरेंस लाइन नहीं है, हाउ कैन से, ये अगर रेफरेंस लाइन नहीं है तो पर्टिकुलर आपकी कोई लाइन अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं ओ ए, तो ये लाइन कितना एंगल सब्ट्रैक्ट करती है, तो उसका रेफरेंस क्या देना पड़ेगा आपको, कि कुछ ना कुछ एक रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये लाइन उस पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन से थीटा डिग्री एंगल सब्ट्रैक्ट करती है. ये सारे जो एंगल्स जो अभी बता रहा हूं वो हॉरिजॉन्टल एंगल है. ओके, अब आ जाते हैं मेरिडियन. मेरिडियन कुछ नहीं है कि मोस्टली जो आप पर्टिकुलर जो रेफरेंस जो लाइन लेते हो, फिक्स लाइन लेते हो, उसको बोलते हैं मेरिडियन. मींस योर सर्वेयर या कुछ भी मेजरमेंट ऑफ द एंगल, इफ यू कंसीडर ए रेफरेंस लाइन और फिक्स लाइन, मींस उसके करस्पॉन्डिंग दे आर द नंबर ऑफ द लाइंस की आप यू कैन मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द मेरिडियन. ओके, फर्स्ट वर्ड का नाम सुन लो कि नॉर्मली मेरिडियन जो है वो इसका डायरेक्टली मीनिंग है कि ये कोई रेफरेंस लाइन होती है या फिक्स लाइन होती है फॉर द मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ डिफरेंट लाइंस. अब आते हैं अपन अर्थ की सरफेस और इसकी किस तरह से नॉर्मली पोर्ट्स रहता है. तो फर्स्ट यहाँ पे देखो टॉप पे, तो ये जो रेड कलर का जो बता रहा हूं वो है आपका नॉर्थ पोल. देन इसके जस्ट बॉटम पे है आपका साउथ पोल. ओके, देन इस पर्टिकुलर अर्थ सरफेस को फॉर डिवाइडिंग इन टू इक्वल पार्ट्स देयर विल बी इक्वेटर. ये क्या है इक्वेटर, वेयर यू कैन से इट इज दी जीरो डिग्री लैटिट्यूड. ओके, मींस आपका लैटिट्यूड स्टार्ट होता है यहां से. और इफ यू हैव एनी रिमेंबर दिस कि बाड़मेर जो सिटी है, बाड़मेर सिटी या पूरा मैं स्टेट बोल दू राजस्थान और इंडिया, ये कहां पे लोकेट होता है कोई बता सकता है? जोधपुर. क्योंकि आपने कहीं पे अगर मैप यूज किया है, गूगल मैप यूज किया है, तो वहां पे कुछ एक पर्टिकुलर जहां पे प्लेस है वहां पे टू वैल्यूज दे रखा होती है कि 26 डिग्री 39 मिनट 15 सेकंड और 73 डिग्री 35 मिनट और 0 सेकंड. कुछ ऐसी वैल्यू आपने देखी है कहीं पे मैपिंग के? अगर कहीं पे आप पोजीशन उसको सेलेक्ट करो, जस्ट मान लो इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर अगर सर्च करोगे मैप में, तो वो रेड कलर से शो करेगा. फिर उसके ऊपर डिटेल जब जाओगे तो पर्टिकुलर आपको वहां का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलेगा. दैट मींस कि इस पर्टिकुलर अर्थ सरफेस पे आपका मतलब पर्टिकुलर पैलेस या पॉइंट ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो कहां पे लाई करता है. ओके, तो फर्स्ट चीज याद रखो कि मेरिडियन जो है वो एक रेफरेंस लाइन है और फिक्स लाइन है. और सेकंड, पर्टिकुलर आपको जिस प्लेस पे हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है, ब्लू कलर का ये जो डॉट दिख रहा है ये पोजीशन है सर्वेयर की. मींस जो पर्टिकुलर स्टेशन पे, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर स्टेशन.
अब इस ऑब्जर्वर स्टेशन को पैरेलल टू द इक्वेटर ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस। मींस अगर मैं बाड़मेर सिटी का अगर बताऊं कि मान लो पर्टिकुलर ये बाड़मेर सिटी है, तो जो हॉरिजॉन्टल जो सरफेस होगी बाड़मेर में, फिर अपना इंजीनियरिंग कॉलेज, और इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने कोई रेफरेंस लाइन ली है और वहां से आपने मान लो उसकी डायरेक्शन में किसी लाइन की एंगल मेजर कर रहे हो, तो वो किस प्लेन में कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ओके, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैंने जीरो ये सॉरी ओ टू वाई जो है इस लाइन की आपको क्या करनी है, एंगल मेजर करना है। और ये जो एंगल जो मेजर होता है हॉरिजॉन्टल एंगल, इस टर्म्स को बोलते हैं बियरिंग। सर्वे में बियरिंग जो वर्ड है वो क्या डिनोट करता है, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर फ्रॉम ए रेफरेंस लाइन और मेरिडियन। रेफरेंस लाइन को ही मेरिडियन बोलते हैं। तो फर्स्ट डिपेंडिंग ऑन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ एंड मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ एंड साउथ पोल, दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिडियन। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? ये जो ये फिगर जो मैं समझा रहा हूं वो क्लियर है आपको? हाँ सर। और मेरिडियन किसको मान के चलते हैं? मेरिडियन का मींस होता है कि वो एक पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन या फिक्स लाइन जहां से आपका मेजरमेंट स्टार्ट होता है। जैसे पर्टिकुलर अगर मैं किसी एरिया की बात करूं, ये कोई आपका ग्राउंड एरिया है और जहां पे आपको ये पर्टिकुलर एक बिल्डिंग ब्लॉक है। नाउ कमिंग टू द सेटअप, योर इंस्ट्रूमेंट इज एट पॉइंट ये रेड कलर का। ओके, अब आपको है ना एंगल मेजर करना है, तो एंगल मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ तो रेफरेंस लाइन चाहिए ना। तो आई एम जस्ट यहाँ पे क्या किया, मैंने ये लाइन, मैंने एक रेफरेंस लाइन ले ली। अब ये लाइन कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे पर्टिकुलर नॉर्थ जो है अर्थ का जो नॉर्थ है वो हो सकता है, मैग्नेटिक कंपास जो एक नीडल जो होती है ना, मैग्नेटिक नीडल, यू हैव मैग्नेटिक नीडल में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और साउथ। तो वो क्या करता है कि इसको जब यू फ्रीली सस्पेंडेड रखते हो, मींस किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, तो ये कुछ टाइम के बाद में स्टेशनरी हो जाती है। जहां पे वो स्टेशनरी होती है उसका जो नॉर्थ जो डायरेक्शन है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ओके, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और उसका जो अपोजिट एंड जो 180 डिग्री पे होगा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल। तो दैट मींस ये जो रेफरेंस लाइन है उसको बोलते हैं मेरिडियन। अब डिपेंडिंग ऑन दी ये जो रेफरेंस लाइन मींस मेरिडियन जो है वो कौन सा कंसीडर करते हो, ये आर दी फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिडियन। ओके, यहां तक क्लियर? हाँ सर। ओके, तो इस पर्टिकुलर एज पे आपको एंगल फाइंड आउट करना है, इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में एंगल सबस्टेंट जो है थीटा वो फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट यू डिसाइड फर्स्ट मेरिडियन कि आप रेफरेंस लाइन कौन सा ले रहे हो और मेरिडियन कैसे स्टेबलाइज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो एंगल है वो कितना सबस्टेंट होगा। तो अब मेरिडियन पे आ जाओ। मेरिडियन होता है कि पर्टिकुलर जिस ऑब्जर्वर को जिस प्लेस पे आपको मेजर करना है वहां से एक सर्कल पास होता है। ये जो सर्कल है वो अगर ये पूरा जो सर्कल है इस टाइप से, ये जो सर्कल अगर अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से अगर पासिंग होता है तो इसको बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। ध्यान से सुनना कि अगर आपका रेफरेंस प्लेन या रेफरेंस लाइन, अब मैं यहाँ पे रेफरेंस प्लेन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अर्थ सरफेस की बात कर रहा हूँ थ्री डायमेंशनल, और ये जो क्यू से पी है ये आपकी रेफरेंस लाइन होती है। तो ये अगर आपका मेरिडियन जो है इज दी पासिंग दी अर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन। ओके, means
तो फर्स्ट जो मेरिडियन है वो आपका है ट्रू मेरिडियन। मेरिडियन मींस रेफरेंस लाइन, ट्रू मेरिडियन मींस कि आपका जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के, अगर मैं फिर वापस यहां पे देखो, फिर अगर एक प्लेन बनाओ अर्थ सरफेस, ये आपका इक्वेटर और यहां पे ऑब्जर्वर। ओके, ऑब्जर्वर मींस अब इस इक्वेटर से ऊपर ही तो होगा। इंडिया जो है वो नॉर्मली, अगर राजस्थान बताओ तो नॉर्थ जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो एरिया है वहां पे लाई करता है, तो मींस इक्वेटर से ऊपर होता है। ओके, आगे एक और फर्दर मैं बताऊंगा किस तरह लोकेट होता है किसी वर्ल्ड, मतलब ये जो ग्लोब है या फिर अर्थ जो सरफेस है उसमें पर्टिकुलर पैलेस जो है वो एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से सपोर्ट करता है। तो ये आपका ऑब्जर्वर है, मींस जहां पे आप खड़े हो, जैसे ये आपका सर्विंग इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, और तो इस पर्टिकुलर जो सर्विंग इंस्ट्रूमेंट्स है, और यहां से क्या होता है एक पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन या मेरिडियन पास होता है। ये मेरिडियन क्या होता है, इट एग्जैक्टली फ्रॉम द पासिंग थ्रू अर्थ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मींस अर्थ के दोनों जो पोल होते हैं उसमें से अगर पासिंग होता है, ये मींस इसमें से पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इस टाइप से। ओके, तो इसको बोलते हैं आपको ट्रू मेरिडियन। नाउ कमिंग टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये तो हो गया थ्री डायमेंशन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर आपको, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अब आपको नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, ये नॉर्थ की डायरेक्शन कौन सी है, ट्रू मेरिडियन की। देन आई एम स्टार्टिंग, यहां से ऑब्जर्वर हूं मैं, मान लो मैं सर्वेयर या पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लोकेट करता है और इस ट्रू मेरिडियन के करस्पॉन्डिंग ये लाइन ड्रॉ करता है, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं ट्रू नॉर्थ। तो इस पर्टिकुलर जो लाइन है इसको बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। अब ट्रू मेरिडियन से अगर पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे, इस ओरिजिन, ये अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, ये पॉइंट है आपका ए और ओ, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओ ए का एंगल कितना है, ओवे जो लाइन है वो एंगल कितना सब्सट्रेट कर रही है, तो अपन लिखेंगे फ्रॉम दी ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ और ट्रू मेरिडियन, उसका जो एंगल जो है वो है थीटा। कैसे, यहां से अपन इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, इसके तरफ साइड करेंगे, यहाँ पे जीरो डिग्री रखेंगे, फिर इस साइड में जब अपन रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और साइड करेंगे ए को, तो ये एंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि एंगल जो थीटा है फ्रॉम दी ट्रू नॉर्थ। ओके, यहां तक क्लियर? यस और नो? यस सर। ओके, तो पर्टिकुलर जो ट्रू मेरिडियन जो होता है वो पर्टिकुलर जो पैलेस या फिर आपका ऑब्जर्वर जो स्टेशन है वहां पे अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डायरेक्ट करता है। यस और नो? ओके, और ये जो ट्रू मेरिडियन जो होता है ये पर्टिकुलर कैसे स्टेबलाइज होता है, स्टेबलाइज बाय द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। कैसे, क्योंकि जो पर्टिकुलर जो अर्थ का जो पॉइंट है नॉर्थ और साउथ पोल, ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट होती है। अर्थ की मूवमेंट क्या होती है, एक तो एक्सिस के अराउंड और दूसरी होती है मूवमेंट, कौन सी होती है भाई, कौन बताएगा? एक तो एक्सिस के अबाउट मूवमेंट होती है जिससे डे और नाइट होता है। यस और नो?
यस सर। हाँ दूसरी दूसरी सर सन के अराउंड। सन के अराउंड, सन के अराउंड से होने से क्या होता है? अरे सन के अराउंड से आपका सीजनल वेदर चेंज होता है, समर स्प्रिंग और ये विंटर। ओके जो आपके 365 डेज होते हैं वो ये काउंट होता है, और जो 24 आवर्स होते हैं वो एक्सिस के ना रोटेशन की वजह से होता है। तो आपका जो पर्टिकुलर जो पैलेस है या फिर स्टेशन है वहां पे ट्रू मेरिडियन डिसाइड करने के लिए आपको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल मींस जो आपकी हेमिनियल जो बॉडीज होती है सन मून, इससे ऑब्जर्व करके पर्टिकुलर पैलेस का ट्रू मेरिडियन निकालते हैं। और ये वंस यू गेट द ट्रू मेरिडियन इट विल बी नॉट चेंज एज करस्पोंडिंग टाइम, मींस आफ्टर 100 ऑफ इयर्स, मींस 500 इयर्स के बाद में ना वापस इसको स्टेबलाइज करते हैं। बट 24 आवर्स और 1 year 2 years इसके करस्पोंडिंग ये जो ट्रू मेरिडियन जो है वो चेंज नहीं होता है, ये बात याद रखना। ओके और अगर सेकेंड जो अगर मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूं, ये रहा आपका पर्टिकुलर ग्लोब, यहाँ पे आपका है अर्थ का नॉर्थ सरफेस और इस पॉइंट को है ये आपका साउथ पोल। ओके अब इस अर्थ को किस तरह डिवाइड किया है? ओके सबसे पहले ध्यान से देखना, ये है आपका इक्वेटर। इक्वेटर मींस यहाँ पे 0 degree है, अर्थ का एकदम मिड जो पार्ट है यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है जो एरिया है वो कवर करते हैं। तो इस इक्वेटर से अगर आप नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में जाओगे और साउथ पोल की डायरेक्शन में जाओगे तो उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ओके एलटी। और अगर आप पर्टिकुलर किसी रेफरेंस पॉइंट पे, मींस ये जो है इसको बोलते हैं रेफरेंस मेरिडियन, और ये रेफरेंस जो मेरिडियन है ये पास होता है ग्रीनविच इंग्लैंड में, एक पर्टिकुलर टाउन है वहां से पास होता है और उसको कंसीडर किया हुआ है फॉर द ग्रीनविच जो मेरिडियन है उसको कंसीडर किया है 0 degree लॉन्गिट्यूड। ओके और अगर मैं यहां पे आपको पर्टिकुलर एक कोई ऑब्जर्वर बताओ, ये रहा आपका ऑब्जर्वर। ओके इस ऑब्जर्वर की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं क्या ये है आपका नॉर्थ, फिर नीचे है साउथ, और इस डायरेक्शन में अगर मैं कंसीडर करूं सनराइज को तो ये है आपका ईस्ट और ये है वेस्ट। ओके तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इक्वेटर से ये इसका सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ, इक्वेटर से कितना डिग्री नॉर्थ के डायरेक्शन में राइज है, तो सबसे पहले लिखते हैं उसका लैटिट्यूड 40 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर उसके बाद में सेकंड लिखते हैं कि इस पर्टिकुलर रेफरेंस मेरिडियन से, और ये रेफरेंस मेरिडियन पूरे वर्ल्ड का रेफरेंस मेरिडियन जो है वो ग्रीनविच सिटी है वहां से पास होता है और उसको 0 degree कंसीडर किया है। इस रेफरेंस मेरिडियन से और इस पर्टिकुलर जहां पे ऑब्जर्वेशन है इन दोनों के बीच में जो थीटा है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड आपका इसके वेस्ट डायरेक्शन में है तो 30 degree वेस्ट, ये होता है किसी सिटी या किसी पैलेस का। अगर आज ही आप सर्च करोगे मैप में, गूगल मैप पे जाओगे तो सर्च करना आप पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर या फिर बाड़मेर सिटी, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। ओके ये तो हो गया ग्लोब में, और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल से ये जो लाइन्स जो पास हो रही ना ये सारी क्या है ट्रू मेरिडियन। ओके ये सब क्या है ट्रू मेरिडियन, और जहां पे आपको ऑब्जर्वेशन करना है वहां से पास करोगे तो वो वाला आपको कंसीडर करना पड़ेगा ट्रू मेरिडियन। ओके नाउ कमिंग टू दी ट्रू मेरिडियन हो गया, अब सेकंड है आपका
मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है कि ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, अगर आप मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंडेड करोगे मींस एकदम फ्रीली इसको मूव रखोगे, तो कुछ टाइम के बाद आपने ऑब्जर्व किया होगा, फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट भी होगा आपके पास में, एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक एक रॉड है और उसकी वेव्स जो है वो क्रिएट करनी है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ. ये एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं आपने फिजिक्स में 12th में? यस और नो? यस सर. यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक नीडल लगोगे तो इसकी डायरेक्शन ऐसे ऐसे होके होके फिर साउथ पोल आके यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर मर्ज होती है. तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल जो है अगर जिस पर्टिकुलर प्लेस मींस जहां पे आपको ऑब्जर्वेशन करना है वहां पे जब रेस्ट पोजीशन होती है तो उसका नॉर्थ जो डायरेक्शन होती है और साउथ पोल जो डायरेक्शन, वहां से अगर आपका मेरिडियन पास होता है तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे करना होता है कि ये है आपका स्टेशन, ये है पॉइंट ए, इसकी आपको निकालना है एंगल. तो एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहां पे रखना है आपको मैग्नेटिक कंपास. ओके, इस कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, मैग्नेटिक नॉर्थ एम एन. ओके, इस एम एन से जितना एंगल सब्सट्रैक्ट करेगा वो एंगल मेजर करने के लिए आपको क्या लिखना है कि ये थीटा एंगल फ्रॉम दी मैग्नेटिक नॉर्थ. ओके, और ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है इट कैन बी चेंज टू टाइम. मींस यहां पे नंबर ऑफ फैक्टर्स डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ, मतलब आज अपन ने वर्क किया मैग्नेटिक नॉर्थ यहां पे था, बट यू कैन फॉर दी वापिस आप नेक्स्ट डे आके अगर आप वापिस ऑब्जर्वेशन करोगे तो इट कैन बी चेंज. ओके, या द नंबर ऑफ रीजन चेंज हो सकता है. कैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूं मैं कि जिस टाइम मान लो फॉर एग्जांपल पृथ्वी ने डे वन में जो ऑब्जर्वेशन लिया था ही कैन नॉट वियर एनी वॉच, हैंड वॉच या पर्टिकुलर कोई भी आयरन जो है उसके पास में, आयरन थिंग्स मींस आयरन मटेरियल उसके पास में नहीं था, हैंड पे कुछ ही तरह का कोई आयरन नहीं था, क्योंकि अगर मैग्नेट है और अगर आयरन या फिर आपका नॉर्मली जो रीजन है आयनिक रीजन जो है क्रिएट करोगे, मींस ये मैग्नेट है अगर मैं कुछ आयरन का पीस लेके जाता हूं तो दे विल बी इफेक्टेड, है ना, यस और नो? अगर एक मैग्नेटिक नीडल और मैं यहाँ पे एक आयरन का पीस लेके जाता हूँ तो इट इफेक्टेड और नॉट? Yes, sir, it affected. तो फिर सेकंड डे जो है वो मान लो रौनक या पर्टिकुलर सेकंड जो सर्वर है उसने ऑब्जर्वेशन किया डे टू पे, लेकिन रौनक को ये नहीं पता था कि पर्टिकुलर मैग्नेटिक ये जो कंपास है उसमें आयरन फ्री जो रीजन होना चाहिए, मींस पर्टिकुलर आयरन रीजन नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए उसके केस में क्या था, उसने ऑब्जर्व कर लिया सेकेंड मैग्नेटिक नॉर्थ वाला ड्यू टू अफेक्टेड ऑफ दी दिस पर्टिकुलर आयरन. तो रौनक के लिए जो थीटा जो है वो ये वैल्यू है, बट पृथ्वी जो नॉर्मली डे वन को ऑब्जर्वेशन किया था उसके लिए थीटा की वैल्यू ये है. तो दोनों राइट्स हैं, बट कैसे डिफाइन करोगे, वो डिफाइन करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना है डे वन डे टू डे थ्री, तो कितना वेरिएशन होता है उसको करेक्शन करते हैं. तो मींस मैग्नेटिक जो मेरिडियन है इट कैन बी चेंज, यस इट कैन बी चेंज टू द टाइम, ये अफेक्टेड होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द अदर रीजन ऑफ द मटेरियल. ओके, तो मींस इसकी जो पोजीशन है ऑन द अर्थ इज नॉट फिक्स्ड. ओके, मींस अर्थ पे इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड नहीं है,
ट्रू मेरिडियन की जो है पोजीशन है वो फिक्स्ड है. ओके थर्ड टाइप का है आपका ग्रिड मेरिडियन. आप में से किसी ने पर्टिकुलर सिटी या स्टेट या कंट्री का अगर मैप देखा है ऑब्जर्व किया है तो उसमें कुछ ये इस टाइप से हल्की हल्की ग्रिड बना रखी होती है. मीन्स ये जो लाइंस जो है ये कुछ पर्टिकुलर लाइंस बना रखी होती है. हैव यू ऑब्जर्व्ड और नॉट सीन दिस? यस सर. अब इस पर्टिकुलर जो ये ग्रिड है इसके अंदर मान लो आपका ये जो एरिया है वो कब करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके तो ग्रिड मेरिडियन क्या होता है? ग्रिड मेरिडियन होता है कि ये एक पर्टिकुलर रेफरेंस मेरिडियन या रेफरेंस लाइन ऑफ द कंट्री. मींस अगर मैं इसकी बात करूं इंडिया की तो यहां पे पर्टिकुलर जो एरिया जो है ये इसमें पर्टिकुलर एक रेफरेंस मेरिडियन पास करते हैं इसको बोलते हैं ग्रिड मेरिडियन. ओके ये वर्क करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया. मींस इसको स्टेबलाइज करने के लिए 50 इयर्स और 100 इयर्स ऑब्जर्व करते हैं फिर एक पर्टिकुलर रेफरेंस. यहाँ पे इंडिया में चेन्नई जो है वहां पे इसका रेफरेंस मेरिडियन लिखा हुआ है. अगर किसी ने पर्टिकुलर ऑब्जर्व किया है यूएस यूके टाइम जो है अगर आप इंडियन टाइम में कन्वर्ट करोगे तो 5:30 आईएसटी ऐड करना होता है और वहां पे चेन्नई लिखा रहता है. यस और नो? किसी ने ऑब्जर्व किया है मोबाइल में या पीसी में? यस सर. तो उसका मतलब होता है कि आपका जो कंट्री का जो रेफरेंस मेरिडियन है वो कहां से पास आउट हो रहा है? चेन्नई से. ओके तो इससे पर्टिकुलर जहां आपका टाइमिंग जो है वो 5:30 जो है वो आपको ऐड करना होता है क्योंकि चेन्नई का जो मेरिडियन है जहां से पास आउट हो रहा है कंट्री का वो ग्रीनविच के मेरिडियन से 5 hours 30 minutes क्या है लेट है. ओके इसका मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको मेरिडियन ये ग्रिड का. ये रहा ये जो इमेज है मैंने mapofindia.com से यहां से ली है. तो यहां से पर्टिकुलर राजस्थान का देखो फर्स्ट चीज यहां पे इसमें अगर इसको इमेज को मैं अगर थोड़ा लार्ज कर दूं फिर से Is it visible to all of you? Yes, yes, sir. Okay, thank you. Okay, अब यहाँ ध्यान से देखना ये पर्टिकुलर राजस्थान जो स्टेट है इसका मैप है. ओके बट ये जो मैप है इसमें पर्टिकुलर ये लाइन्स ड्रॉ कर रखी है. ओके आई एम कमिंग टू द पॉइंट दिस इस पॉइंट की बात कर रहा हूं. ये पर्टिकुलर कौन सा होगा? एरिया धौलपुर. धौलपुर होगा ना एज सबसे ईस्टर्न में कौन सा सिटी अपनी राजस्थान की? धौलपुर. यस और नो? हाँ सर. और वेस्टर्न में? वेस्टर्न में सबसे वेस्ट जो एज है स्टेट का वो कौन सा है? जैसलमेर. ओके तो ये पर्टिकुलर देखो 24 डिग्री नॉर्थ 25 डिग्री नॉर्थ 26 डिग्री नॉर्थ 27 28 29 और 30. ओके तो इसका मीनिंग है ये राजस्थान जो है आपका इक्वेटर जो है इस इक्वेटर से कहां से स्टार्ट हो रहा है? इट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम द 33 डिग्री नॉर्थ. मीन्स ये जो राजस्थान जो पहले से है वो इस पर्टिकुलर इक्वेटर से नॉर्थ के डायरेक्शन में अपन नॉर्थन पोल के डायरेक्शन में रहते हैं साउथन पोल में नहीं रहते. तो नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में कितना है 23 डिग्री से यहां से पास आउट होता है
और इसमें सबसे जो धौलपुर जो सिटी है उसका लॉन्गिट्यूड जो है वो कितना है, 78 डिग्री ईस्ट। ओके, अब जैसे जैसे आप वेस्टर्न के साइड में जा रहे हो तो ये जो ईस्ट के है वहां से डिस्टेंस कम हो रही है, मींस ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो ईस्ट के डायरेक्शन में ज्यादा क्लोजर है और ये ज्यादा है, ये कम है सॉरी। तो सनराइज जो है वो फर्स्ट कहां पे सीन होगा, जैसलमेर वाले को या फिर धौलपुर वाले को? धौलपुर वाले को और सनसेट जो है, सनसेट ध्यान से सुना, सनसेट जो है वो किसको सबसे लास्ट तक विजिबल होगा? जैसलमेर सर। जैसलमेर। और सबसे मोस्ट फेमस जो है पैलेस वो क्या है, सम एरिया है कि नहीं है? वहां पे क्या देखने के लिए जाते हैं लोग लगभग विजिट करने के लिए, सनसेट देखने के लिए जाते हैं? अरे आप में से कोई भी तो गया होगा, यस तो वहां पे आप पर्टिकुलर क्या मैन मैन वहां पे क्या देखने जाते, सनसेट देखने जाते हो या सनराइज? सनसेट सर। वहां पे मतलब 7:45 PM तक भी वहां पे सन मतलब सन कैन बी विजिबल होता है, और यहाँ पे जो धौलपुर है वहां पे पर्टिकुलर 7:05 PM मींस लमसम 40 मिनट्स या 30 मिनट का गैप रहता है। ओके, तो ये जो ग्रिड जो सिस्टम है, ये जो 78 डिग्री ईस्ट, 77 ईस्ट, ये जो है ये इसको बोलते हैं ग्रिड मेरिडियन। ओके, और ये ग्रिड मेरिडियन जो है ये मैप सर्वे ऑफ इंडिया जो है कंट्री से और पर्टिकुलर जो कंट्री है वहां पे इस टाइप से पैरेलल डिसाइड करते हैं। और अगर मैं जैसे बाय द हेल्प ऑफ दिस मैप आई कैन से कंक्लूड ये पहले से आपका बाड़मेर। ओके, अब बाड़मेर का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड निकालना है अप्रोक्सीमेटली, कौन निकाल के देगा मेरे को बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्रिड सिस्टम? कौन निकाल के देगा भाई बताओ? सबसे पहले देखो ये वाली लाइन 25 डिग्री नॉर्थ है और 26 डिग्री नॉर्थ लाइन से जस्ट बिलो है, तो इट कैन बी 25 डिग्री, 25 डिग्री, फिर ये 25 डिग्री, 30 मिनट हाफ, और इट कैन बी 45 मिनट और 30 सेकेंड। मींस बाड़मेर का अगर मैं लैटिट्यूड निकालो इट लेस देन 26 डिग्री होता है और इट कैन बी ग्रेटर देन 25 डिग्री, डायरेक्टली कंक्लूड करो। अब इसका लॉन्गिट्यूड कौन निकाल के देगा? लॉन्गिट्यूड किसके बीच में, दो लाइंस के बीच में? लॉन्गिट्यूड कितना, किन लाइन के बीच में? 71 डिग्री 71 डिग्री और 72 डिग्री 72 डिग्री ईस्ट, तो इन दोनों वैल्यू के बीच में आपका क्या है, बाड़मेर का लॉन्गिट्यूड। ओके, ये होती है ग्रिड मेरिडियन। ओके, नाउ कमिंग टू दी फोर्थ, मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, ग्रिड मेरिडियन होगा। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ है आपका आर्बिटरी मेरिडियन। ओके, ये जो आर्बिटरी मेरिडियन है इसको मींस ये क्या है, पर्टिकुलर रैंडम किसी टाइप का आप मेरिडियन मान सकते हो। मींस जैसे मेरे को किसी लाइन की ऑब्जर्व करना है, ये ऑब्जर्वेशन ए लाइन का एंगल निकालना है, तो मैंने क्या क्या है यहाँ पे पर्टिकुलर एक वाटर टैंक बना हुआ था। ओके, ये वाटर टैंक बना हुआ था और मुझे तो बस इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक लोकेट करना है, तो मैंने क्या क्या,
सबसे पहले इस वॉटर टैंक को साइड किया इसके सेंटर लाइन से, तो ये जो सेंटर लाइन साइड करके आपने कोई रेफरेंस लाइन जो ड्रॉ की है, मेरिडियन का मतलब क्या है रेफरेंस लाइन, और ये जो मेरिडियन आपने आर्बिट्री अज्यूम किया है, अज्यूमिंग ओके, इस पर्टिकुलर मेरिडियन को बोलते हैं आर्बिट्री मेरिडियन, और यहां से मैंने डायरेक्टली जो ऑब्जर्वेशन है पर्टिकुलर जितने भी लाइंस का वो मैंने मेजर करता गया ओके, इसको बोलते हैं आर्बिट्री मेरिडियन ओके, यहां तक क्लियर। और इसका कुछ पर्टिकुलर जो आर्बिट्री मेरिडियन है उसके लिए ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंट होने चाहिए, ऐसे नहीं कि मान लो जैसे रौनक ने क्या किया, रौनक के फ्रेंड ने एक यहाँ पे बाइक खड़ी की और रौनक ने वहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना चालू किया, मान लो सर्वेयर वन ने क्या किया यहाँ पे किसी की बाइक थी और यहां से एक पर्टिकुलर लाइन की हॉरिजॉन्टल एंगल निकालना था, तो डायरेक्टली क्या क्या इस बाइक को साइड किया और एंगल मेजर कर लिया, तो ये क्या आर्बिट्री मेरिडियन होगा कि नहीं होगा, यस और नो? नो सर। व्हाई? सर द बाइक इज नॉट परमानेंट हियर। यस वेरी गुड, क्योंकि व्हेन यू कम टू द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे आने के बाद में आपको फर्दर ऑब्जर्वेशन करना था पर्टिकुलर पॉइंट बी का, तो वो बाइक जो है वो अगर चली गई तो वहां पे आपके पास में क्या बचेगा कि भाई वो रेफरेंस मेरिडियन तो मेरे पास है ही नहीं, दैट मींस योर ऑब्जेक्ट आर मोस्टली लाइकली टू दी परमानेंट ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए कैन बी जो चर्च है या टेम्पल है और चिमनी, इस टाइप के पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसको साइड करना, मींस जो परमानेंट हो, कम से कम आपका जो वर्क करे, मान लो वर्क करने में आपको 7 days लगे तो 7 days जो भी आप ऑब्जेक्ट चूज करो वो परमानेंट होना चाहिए। ये पूछा जाता है कि नॉर्मली मेरे पास एक साइकिल है, मैंने यहाँ पे स्टैंड कर दी और वहां से मैंने एक मेरिडियन पास किया, इट कैन बी आर्बिट्री मेरिडियन और नॉट, तो वो क्योंकि सर नॉर्मली जो वो साइकिल स्टैंड या फिर आपने जो साइकिल पोजीशन की है इट कैन बी मे बी चेंज ड्यू टू मेनी ऑफ द फैक्टर्स, कोई पर्टिकुलर पर्सन आया उसने चेंज कर दी या फिर ड्यू टू विंड वो भी नीचे गिर सकती है, तो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो सर परमानेंट होना चाहिए, है ना, तो ऑब्जेक्ट परमानेंट वाला है वहां से पासिंग हो इट कैन बी से आर्बिट्री मेरिडियन ओके। तो 4 मेरिडियन के बारे में अपन डिस्कशन कर दिया, मेरिडियन का मीनिंग है रेफरेंस लाइन जिसकी मदद से आपको एंगल मेजर करते हैं, ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना होता है, और डिपेंडिंग ऑन द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ फर्स्ट इज अ ट्रू मेरिडियन, सेकंड इज डिपेंडिंग ऑन द योर मैग्नेटिक कंपास नीडल इट कैन बी मैग्नेटिक मेरिडियन, थर्ड वन इज डिपेंडिंग ऑन द योर कंट्री रेफरेंस मेरिडियन, कंट्री या स्टेट या पैलेस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ मेरिडियन व्हिच आर पैरेलल और इट्स कॉल्ड द ग्रिड मेरिडियन, नाउ फोर्थ मेरिडियन आर द आर्बिट्री मेरिडियन और इट कैन बी अज्यूम ए रेफरेंस पॉइंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट शोइंग एज अ परमानेंट पोजीशन ओके, क्लियर? यहां तक क्लियर? यस सर। ओके, नाउ कमिंग टू द बियरिंग, जो वर्ड जो था उसके बारे में, बियरिंग इन द टर्म्स ऑफ द सर्विंग बियरिंग आर कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन बिटवीन लाइन एंड रेफरेंस मेरिडियन ओके, तो सबसे पहला ये आपका ट्रू नॉर्थ मतलब ये कौन सा होगा आपका, कौन सा मेरिडियन होगा, अगर ट्रू नॉर्थ लिखा है तो इसको कौन सा मेरिडियन बोलेंगे अपन, कौन सा मेरिडियन बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन, अगर ट्रू नॉर्थ की बात कर रहा हूं मैं, ट्रू
ट्रू मेरिडियन होगा ना, ट्रू नॉर्थ का मतलब होता है कि वहां का जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ मीन्स अर्थ का नॉर्थ पोल की डायरेक्शन, ओके। और सेकंड, सेकंड अगर मैं एम एन लिखता हूं तो क्या होगा, कौन सा होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ के बारे में डायरेक्शन बता रहा हूं, ये क्या होगा, ये कौन सा मेरिडियन होगा, अब मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो बाय द हेल्प ऑफ सबसे पहले सर्विंग में ये हो जाता है ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। अब आते हैं पर्टिकुलर बियरिंग के बारे में, तो पहले डिसाइड करना होता है कि आपका रेफरेंस मेरिडियन क्या है, फिर किसी लाइन, मान लो ये ए पॉइंट है और यहां से आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रहा है और इस लाइन को आपने यहां से मिला दिया, ओके। अब पर्टिकुलर सबसे पहला, अगर आप रेफरेंस मेरिडियन अगर ट्रू मेरिडियन कंसिडर करते हो तो इसको बोलते हैं ट्रू मेरिडियन, ट्रू बियरिंग, थीटा वन जो है उसको बोलते हैं ट्रू बियरिंग। और बियरिंग का डायरेक्टली मीनिंग है किसी दो लाइन के बीच में एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल होना चाहिए और एक जो लाइन है आपकी क्या होनी चाहिए, रेफरेंस लाइन, ओके। ये रेफरेंस लाइन कुछ भी हो सकती है, आर्बिट्री मेरिडियन हो सकती है, ग्रिड मेरिडियन हो सकती है, ट्रू मेरिडियन हो सकती है और मैग्नेटिक मेरिडियन। तो डिपेंडिंग ऑन दी मेरिडियन मीन्स आपने जो रेफरेंस मेरिडियन जो लिखा है, अगर आपने ट्रू मेरिडियन लिखा है तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो बियरिंग है उसको बोलते हैं ट्रू बियरिंग, और मैग्नेटिक मेरिडियन के करेस्पॉन्डिंग उसको बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग, और ग्रिड मेरिडियन के करेस्पॉन्डिंग उसको बोलते हैं ग्रिड बियरिंग, और सबसे लास्ट आर्बिट्री मेरिडियन अगर कंसिडर किया है तो उसको बोलते हैं आर्बिट्री बियरिंग। क्लियर, यहां तक क्लियर? यस सर। मींस जो आप मेरिडियन कंसीडर करोगे रेफरेंस मेरिडियन, उसके करेस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल जो है एंगल मेजर करोगे वही उसकी बियरिंग होगी, ओके। सेकंड, अगर थीटा टू है इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक मैग्नेटिक मेरिडियन से मैं एंगल मेजर कर रहा हूं तो थीटा टू को बोलते हैं, ये क्या है इसकी, मैग्नेटिक बियरिंग, ओके। क्लियर? यस सर। एक पॉइंट और कंसीडर कर लो, इसमें नोट में लिख देना, किसी पर्टिकुलर लाइन की ट्रू जो बियरिंग जो होती है ऑफ ए लाइन डज नॉट चेंज विथ द टाइम, क्योंकि ट्रू मेरिडियन भी क्या मैंने बताया था, टाइम के करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं होता है, ओके। और इसको ट्रू बियरिंग जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए आफ्टर 100 इयर्स इसको वापस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से स्टेबलाइज करते हैं, ओके। और ट्रू बियरिंग का एक और सिनोमिन नाम है, उसको बोलते हैं एजीमुथ, एजीमुथ है इसका सेकंड नेम, ओके। यहां तक क्लियर? मींस ट्रू मेरिडियन जो है वो टाइम से चेंज नहीं होता, मींस आफ्टर 100 इयर्स इट इज स्टेबलाइज बाय द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, तो इसकी मेरिडियन भी है जो भी वो भी चेंज नहीं होगी। बट इन केस ऑफ द मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग मैंने बताया था क्योंकि मैग्नेटिक जो मेरिडियन है इट कैन बी चेंज ड्यू टू अदर देन फील्ड, मींस अदर देन जो एरिया जो होगा, मींस मैग्नेटिक जो फोर्स जो एरिया है, अगर उसमें आयरन पीस आपके हैंड में, रिंग्स और कुछ भी आयरन की अगर चीज है, तो ये जो पर्टिकुलर जो कंपास होता है वो नॉन मैग्नेटिक मेटेरियल जो है उससे होता है, मींस इस टाइप से ब्रास पर्टिकुलर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटेरियल जो है एल्यूमिनियम, ये सारे जो मेटेरियल है उससे ये कंपास बनते हैं, ना कि आयरन से बनते हैं, ओके। बियरिंग क्लियर? बहुत इजी है बियरिंग, तो मेरिडियन अगर समझ में आ गया तो बियरिंग समझ में आ जाएगा। तो ट्रू बियरिंग हो गया, मैग्नेटिक बियरिंग हो गया,
और अगर ग्रिड के करस्पॉन्डिंग अगर लोगे तो उसको बोलते हैं ग्रिड बियरिंग, और आर्बिट्री मेरिडियन के करस्पॉन्डिंग लेंगे तो वो होगा आर्बिट्री बियरिंग। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना, वो है ये जो बियरिंग जो है आपने मेजर तो कर ली, इसको डेजिनेशन ऑफ दी बियरिंग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए अब आते हैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रॉब्लम, तो इसको दो तरीके से, टू टाइप से कैन बी रिप्रेजेंट। फर्स्ट है होल सर्कल बियरिंग सिस्टम WCB, और दूसरा है क्वाड्रेंटल, क्वाड्रेंटल या क्वाड्रेंट बियरिंग QB, होल सर्कल। फर्स्ट चीज यहां पे ध्यान से देना, होल सर्कल का मीनिंग है फर्स्ट लोकेट द नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ओके, अब ये जो नॉर्थ पोल है इट कैन बी ट्रू नॉर्थ हो सकता है और मैग्नेटिक नॉर्थ भी हो सकता है। ओके, डिपेंडिंग ऑन दी योर रेफरेंस रेफरेंस लाइन और रेफरेंस मेरिडियन। ओके, इफ यू स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ मींस ऑलवेज स्टार्टिंग ए एंगल फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ डिफरेंट लाइंस, ये आपकी लाइंस है, ये पॉइंट ए ओ बी सी और डी, मींस आपने क्या किया यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा, फिर नॉर्थ के डायरेक्शन में साइड किया, यहाँ पे नॉर्थ कैन बी मैग्नेटिक नॉर्थ हो सकता है, ट्रू नॉर्थ भी हो सकता है। ओके, अगर आप कंपास यूज करोगे तो फर्स्ट देखो होल सर्कल बियरिंग होता है डब्ल्यू सी, यू मेजर इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम दी नॉर्थ, मींस थीटा वन बियरिंग होगी किसकी, ओए लाइन की। देन सेकेंड वापिस यहां से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, नॉर्थ से और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थर्ड जो है लाइन ओसी, उसकी भी क्या होगी, थीटा थ्री, और सबसे लास्ट में ओडी जो है उसकी भी क्या होगी, बियरिंग नॉर्थ से स्टार्ट होके उस पर्टिकुलर लाइन पे। तो मींस होल सर्कल बियरिंग स्टार्ट फ्रॉम दी जीरो डिग्री टू दी 360 डिग्री, यस और नो, आया समझ में? यस सर। कुछ नहीं करना है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑलवेज जाना है, कहां से स्टार्ट करना है, नॉर्थ से, तो वो है बियरिंग, उसको बोलते हैं होल सर्कल बियरिंग, और जो होल सर्कल बियरिंग होती है उसी को बोलते हैं एजीमुथ। मींस अगर मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये सर्वेयर का स्टेशन, स्टेशन मींस जहां पे इंस्ट्रूमेंट रखा है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, उस इंस्ट्रूमेंट से, अब इंस्ट्रूमेंट मैंने कंपास रखा है तो उसका मैग्नेटिक नॉर्थ मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मैग्नेटिक नॉर्थ फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये कंपास यहां पे रखा, फ्रीली सस्पेंडेड रखा, मैग्नेटिक नॉर्थ पता चल गया। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो ए है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर लाइन से एक यहां से साइड करूंगा और इस मैग्नेटिक नॉर्थ से इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है हमेशा, और मैं उसका एंगल फाइंड आउट कर लूंगा, हॉरिजॉन्टल एंगल, तो इसको बोलते हैं थीटा वन इक्वल टू क्या, मैग्नेटिक बियरिंग, और किसके अंदर है, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में। ओके, क्लियर? यस सर। नाउ कमिंग टू द सेकंड, सेकंड जो डेजिनेशन है, रिप्रेजेंटेशन है बियरिंग का, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम क्यूबी, ये क्या होता है, इसमें
angles are always less than 90 degree, or it can be say it acute angle. Acute angle किसको बोलते हैं? लेस देन जो 90 डिग्री जो एंगल होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, और इसमें जो रेफरेंस रेफरेंस जो पॉइंट है कैन बी टेकन एज नॉर्थ पोल और साउथ पोल. इसके केस में क्या करना है आपको, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन हो गया, नॉर्थ और साउथ हो गया, ये ईस्ट और वेस्ट. अब आपको क्या करना है, ये मान लो लाइन है, फर्स्ट लाइन ये ए, सेकंड बी, सी और डी. ओके, अब पर्टिकुलर सबसे पहले ये आप ओ से ए, तो नॉर्थ पोल से किस डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं, नॉर्थ पोल से किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ईस्ट डायरेक्शन में. नॉर्थ पोल से ए जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट में. तो ईस्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे और ईस्ट में ये जो एंगल जो है वो मेजर करेंगे. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मींस ओए की क्वाड्रेट क्वाड्रेंटल जो बियरिंग है वो है नॉर्थ. सबसे पहले मैंने नॉर्थ पोल से मेजर किया है, फिर थीटा वन जितना डिग्री एंगल और किस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन है ईस्ट. आगे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. बहुत इजी है ये, अगर समझ में आ गया क्या करना है. ओबी की कौन बताएगा, ओबी की निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना है एस. ओके, साउथ पोल से, साउथ पोल से बी जो है वो ईस्टर्न डायरेक्शन में, तो इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं. तो साउथ से बी के डायरेक्शन, बी की जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट में, तो साउथ, फिर थीटा डिग्री, सेकंड और फिर साउथ. ओके, सॉरी साउथ नहीं, क्या आएगा यहाँ पे, ईस्ट. ईस्ट, वेरी गुड. अब बताएगा आप में से कोई ओसी की बियरिंग, ओसी की क्वाड्रेट बियरिंग कौन बताएगा? साउथ थीटा थ्री. यस, साउथ थीटा थ्री, साउथ थीटा थ्री वेस्ट, वेरी गुड. और ओडी, ओडी की अगर यहां से मैं मान लू थीटा फोर है तो कितना होगा? नॉर्थ थीटा फोर वेस्ट. नॉर्थ थीटा फोर और वेस्ट, बस ये है आपकी क्वाड्रेट बियरिंग. ओके ओके, यहां तक क्लियर? यस सर. अगर मैं यहां पे एन और जीरो डिग्री लिखता हूं तो उसका मीनिंग क्या होगा? सर एंगल ए एन पर होगा. हाँ, मींस जो पर्टिकुलर जो लाइन है वो पर्टिकुलर उसी पोल के डायरेक्शन है, मींस जीरो डिग्री पे ही वो क्या है, लाई कर रहा है. तो इस चीज को बोलते हैं ड्यू नॉर्थ. ओके, सेम टू सेम एस जीरो डिग्री, तो मींस आपकी जो लाइन है वो साउथ पोल के डायरेक्शन में ही है, तो उसको बोलेंगे ड्यू साउथ. ओके, यहां तक क्लियर? ये नोट कर देना, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, ड्यू नॉर्थ और ड्यू साउथ पता चल गया होगा. सेकंड है, अगर ये लिखा हुआ है नॉर्थ 90 डिग्री ईस्ट, इसका मीनिंग क्या होगा?
ये लाइन कहां पे लाई कर रही है? नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। हाँ, कि मींस ईस्ट के डायरेक्शन में ही, वहां से उसके अलाइन पैरेलल टू ईस्ट जो डायरेक्शन है उसके अंदर, उसको बोलते हैं ड्यू ईस्ट। फिर नॉर्थ 90 डिग्री, वेस्ट सेम टू सेम ड्यू वेस्ट। ये साउथ 90 डिग्री भी ईस्ट हो जाएगा, साउथ 90 डिग्री वेस्ट भी हो जाएगा। तो इस तरह आपका डेजिग्नेशन ऑफ द बियरिंग सिस्टम इन द होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेट बियरिंग सिस्टम। ओके, अब आते हैं आपका रिड्यूस बियरिंग, सेकेंड लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, रिड्यूस बियरिंग आरबी। रिड्यूस का मतलब है कम करना। ओके, कम किसको करना है? कि अगर आपकी होल सर्कल बियरिंग जो है वो लाई करती है 0 से 360 डिग्री, और उसको चेंज करना है क्वाड्रेट बियरिंग। क्वाड्रेट बियरिंग ऑलवेज 0 to 90 degree और एक्यूट एंगल। ओके, तो इसको क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है, कैसे करोगे बताओ? 4 figure बना देता हूं, उस फिगर से आप बिल्कुल एकदम अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे फाइंड आउट करना है आपको। सबसे पहला ये नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर ए पॉइंट और जीरो। अगर यहां पे लिखा हुआ है अल्फा एंगल, अल्फा डिग्री, और मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूं कि होल सर्कल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेट बियरिंग, और यहां पे लिख दूं लाइन, तो लाइन OA की जो है होल सर्कल बियरिंग कितनी है? अल्फा डिग्री, अल्फा डिग्री है कि नहीं? यस और नो? यस सर। होल सर्कल बियरिंग ऑलवेज मेजर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलवेज नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ डायरेक्शन है वहां से स्टार्ट होता है और हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होती है। तो ये है आपका थीटा डिग्री। अब मेरे को इसकी क्वाड्रेट बियरिंग कौन बताएगा? नॉर्थ अल्फा डिग्री। यस, वेरी गुड, नॉर्थ अल्फा डिग्री ईस्ट, वेरी गुड। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, सेकंड लाइन है आपकी ओबी, और उसकी होल सर्कल बियरिंग जो है वो है बीटा डिग्री। ओके, ओबी जो लाइन है उसकी होल सर्कल बियरिंग जो है वो बीटा डिग्री है, तो उसकी क्वाड्रेट बियरिंग कितनी होगी? 180 माइनस बीटा, 180 डिग्री माइनस बीटा। ये तो अभी तक एंगल आया है, लेकिन क्वाड्रेट बियरिंग क्या होगी? बियरिंग के टर्म्स साउथ ईस्ट, साउथ बीटा, साउथ 180 माइनस बीटा ईस्ट। वेरी गुड, तो साउथ 180 डिग्री माइनस बीटा ईस्ट या वेस्ट? सर ईस्ट। यस, वेरी गुड। तो मींस अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये 90 डिग्री से एबो है, मींस ये नॉर्थ से ईस्ट के डायरेक्शन में 90 से एबो हो गया, तो मतलब आपको अब मेजर करना पड़ेगा साउथ पोल से और ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ये होती है इसकी क्वाड्रेट बियरिंग एन 180 डिग्री माइनस बीटा ईस्ट। नाउ कमिंग टू दी थर्ड लाइन, थर्ड लाइन है ये आपकी सी, और इसकी क्वाड्रेट जो भी है, ये सॉरी होल सर्कल जो बियरिंग है वो है गामा डिग्री। ओसी लाइन और उसकी होल सर्कल जो बियरिंग है वो गामा डिग्री है, तो उसकी क्वाड्रेट बियरिंग क्या होगी? साउथ गामा माइनस 180 वेस्ट। हाँ, वेरी गुड, तो साउथ गामा माइनस 180 डिग्री वेस्ट। एस वन वापिस हो जाएगी आपकी कौन सी लाइन? डी लाइन, ओडी लाइन, और उसकी होल सर्कल जो बियरिंग है वो है लैम्डा डिग्री। ओडी जो लाइन है वो है लैम्डा डिग्री। ओके, तो उसकी क्वाड्रेट जो बियरिंग है वो क्या होगी बताओ?
360 minus lambda west. हाँ, north 360 minus lambda degree minus ये bracket में आ जाएगा west. तो इस चीज को बोलते हैं रिड्यूस बियरिंग. समझ में आ गया कि आपकी होल सर्कल बियरिंग से अगर क्वाड्रेट बियरिंग में जाते हो तो ये जो एंगल है ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, इसको बोलते हैं रिड्यूस बियरिंग. ओके, तो हर किसी लाइन की अगर होल सर्कल बियरिंग दे रखी है और उसको चेंज करना है किसमें, क्वाड्रेट बियरिंग, तो उसको बोलते हैं रिड्यूस बियरिंग. फाइंड आउट करो अगर कहीं से टर्म आ जाए तो रिड्यूस बियरिंग का मतलब ये होता है. अब आते हैं सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो है फोर बियरिंग. फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग. बियरिंग का मतलब क्या होता है कौन बताएगा? अब सर्विंग में बियरिंग का मतलब क्या होता है? सो द एंगल बिटवीन द रेफरेंस लाइन एंड अदर लाइन. हाँ, और ये जो एंगल है वो कौन सा है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल. तो ये भी बोलना है साथ में, हॉरिजॉन्टल. हाँ, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द रेफरेंस मेरिडियन या रेफरेंस लाइन टू द पर्टिकुलर लाइन या ऑब्जेक्ट. अब आते हैं कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग. फोर बियरिंग और बैक बियरिंग होती है किसी लाइन ए और बी. ओके, ए और बी की अगर आप मेरिडियन मेजर करते हो तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होता है वहां पे नॉर्थ पोल. तो इसको बोलते हैं यहाँ का नॉर्थ. ये नॉर्थ में भी हो सकता है, मैग्नेटिक नॉर्थ भी हो सकता है और ट्रू नॉर्थ भी हो सकता है. और इस पे भी क्या करना है, नॉर्थ ड्रॉ करने के लिए पेपर में याद रखना हमेशा इस टाइप से ड्रॉ करना है फॉर न्यूमेरिकल पर्पज, बट फॉर ड्रॉइंग द प्लान तो एक्चुअल जो नॉर्थ है बाय द हेल्प ऑफ द कंपास, मैग्नेटिक कंपास से डिनोट करना है और वो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ. तो इसमें भी अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे नॉर्थ प्लॉट कर देंगे. अब आते हैं कि व्हेन यू स्टार्टिंग फ्रॉम ए लाइन पॉइंट फर्स्ट एंड इज ए एंड टूवर्ड्स टू द एंड पॉइंट ऑफ लाइन बी यू मेजर फर्स्ट बियरिंग. इस बियरिंग को बोलते हैं फोर बियरिंग. ओके, एफ बी मीन्स एक लाइन के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को साइड किया और नॉर्थ से कितना एंगल मेजर कर रहा है इसको बोलते हैं फोर बियरिंग. ओके, और ये जो मैं डायरेक्शन कर रहा हूं ये शो कर रहा है progress of survey, means starting from, I am starting from A station towards the B station. हमेशा पहले direction ये show करना है. कैसे? कि मैंने work start किया है यहां से, ये A point, फिर B point. अब B से मेरा work start हुआ है वापिस C point पे, C से मैं वापिस यहां पे आ गया D, और D से E यहां पे आ गया और F यहाँ पे आ गया, फिर वापिस यहाँ पे. तो इसका मतलब प्रोग्रेस ऑफ वर्क जो सर्वे है वो स्टार्ट हो रहा है A से, फिर B से C, मींस एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है. एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है कि नहीं? यस और नो? यस सर. यस सर. सबसे पहले स्टार्ट करना है प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे, और प्रोग्रेस ऑफ सर्वे के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन का जो नॉर्थ से जो एंगल होता है उसको बोलते हैं फोर बियरिंग, और उसी लाइन का नॉर्थ से वापिस इस डायरेक्शन में देखने के लिए फोर बियरिंग, मतलब आगे की तरफ देखना है. बैक बियरिंग मींस पीछे की तरफ वापिस. तो नॉर्थ से अब जो ये एंगल जो मेजर हो रहा है इसको बोलते हैं बैक बियरिंग. आगे समझ में? बैक बियरिंग का समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. मतलब अगर आपकी आई साइट इस साइड में रखोगे और इस डायरेक्शन में देख रहे हो और ये जो डायरेक्शन है वो प्रोग्रेस ऑफ सर्विंग के डायरेक्शन में है तो वो सारी जो बियरिंग होती है उसको फोर बियरिंग कहते हैं. बट अब ये लाइन आ गई बी और यहां से आपने वापिस रिवर्स देखना चालू किया है, मीन्स अब आपकी आई साइट वापिस रिवर्स साइड में हुई, जो पीछे जो आपका स्टेशन जहां पे आपने मेजरमेंट कर लिया है तो उसकी अगर आप नॉर्थ से जो
बेरिंग मेजर करोगे वो होती है बैक बेरिंग। अब मेरे को कौन बताएगा अल्फा एंड बीटा के बीच में रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। मैथमेटिकली रोल लगाओ फटाफट, ज्योमेट्री निकालो, ज्योमेट्री का प्रिंसिपल निकालो फटाफट, दो तीन पता चलेगा कि पैरेलल लाइन से एंगल जो है वो कितना मेजर होता है। तो मेरे को अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन कौन निकाल के देगा? बताओ। अरे बहुत सिंपल है, ज्योमेट्री निकालो देखो। सर बैक बियरिंग इक्वल्स टू फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री। बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री। बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री। यस सर। एनीवन ऑल, एनीवन एल्स? सर साइन तो प्लस माइनस ले सकते हैं ना, फोर बियरिंग माइनस प्लस 180 डिग्री दोनों हो सकते हैं ना सर, वो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेंगे। इस वाले केस में क्या होगा, ये जो मैं केस जो बता रहा हूँ ये केस वन है, इस केस में क्या होगा? सर इसमें तो ये होगा फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री। फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री मींस दैट मींस बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस 180 डिग्री, यही हुआ मीनिंग बीटा इक्वल टू। क्लियरली शोइंग एज बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा डिग्री। हाउ कैन सी सर प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा सर, प्लस होगा। यस सर। के मींस बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री। प्लस कैसे होगा, नॉर्थ और नॉर्थ जो है हर पर्टिकुलर एरिया पे वो तो क्या होगा कांस्टेंट, सेम टू सेम। तो ये है आपकी टू पैरेलल लाइंस, टेंथ की आपकी ज्योमेट्री देख लो, टू पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई इंक्लाइन लाइन अगर सब्सट्रैक्ट करती है तो एंगल इन द सेम डायरेक्शन, सेम साइड सेम डायरेक्शन आर इक्वल, यस और नो? यस सर। ये जो एंगल, ये जो लाइन है अगर इस डायरेक्शन में अल्फा सब्सट्रैक्ट करती है तो इसके डायरेक्शन में भी क्या होगी अल्फा। तो मैं क्या करूंगा, ए और बी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और इसके डायरेक्शन में अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। नाउ कमिंग टू डायरेक्ट, भाई बीटा जो है इक्वल टू अल्फा प्लस ये 180 डिग्री। ओके, तो जो केस वन है उसके अंदर बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री, ये कब है? व्हेन फोर बियरिंग इज लेस देन 180 डिग्री। ओके क्लियर, यहां तक क्लियर? यस सर। सेकंड केस, ये नॉर्थ, ये ए पॉइंट और ये बी, अब आपकी ये है, मैंने प्रोग्रेस ऑफ सर्वे जो है वो यहां से स्टार्ट किया है, आई साइड मेरे यहां स्टार्ट हुई, सबसे मैंने लिखा अल्फा और वापस इसकी बैक बियरिंग जो है वो है बीटा। अब अल्फा एंड बीटा के बीच में रिलेशन क्या होगा, वापस वही लगाओ, क्या होगा अब अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन क्या होगा? बताओ। अरे अभी तो बताया था आपको, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको आगे एक्सटेंड करो। बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा। बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा, इट इज राइट और रॉन्ग सर? अल्फा माइनस 180 क्या होगा, वापस रिपीट, कैन यू रिपीट? बीटा होगा सर, अल्फा माइनस 180 बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस 180 डिग्री, ये
या बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 180 डिग्री, कौन सा राइट है? अरे बोलने में झिझक नहीं होनी चाहिए, जो आपने किया है वो सही किया है कि नहीं किया है वो तो पता तो होना चाहिए ना आपको। अरे ये एंगल सीधा निकला ना, ये भाई ये एंगल पैरेलल, ये लाइन दो नॉर्थ और नॉर्थ दोनों पैरेलल लाइन, ये वाली इंक्लाइन लाइन, तो बीटा एंगल यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहा है तो बीटा यहाँ पे हो जाएगा, तो और टोटल ये जो एंगल है वो 180 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बीटा प्लस 180 डिग्री। और इट कैन बी बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस 180 डिग्री। जो ये जो सेंटेंस जिसने बोला उसका आंसर राइट है। ओके क्लियर? यस और नो? यस सर। सो इट कैन बी कंक्लूड एज अ बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री। ये कब होगा? जब आपकी फोर बियरिंग आर लेस देन 180 डिग्री। ओके सेकंड जो ये केस जो है अपना, सेकंड केस में देखो, एक्चुअल में मैं ये डायरेक्ट लिख सकता था आपके सामने कि बैक बियरिंग, ये फॉर्मूला याद कर लो आप, तो ये फॉर्मूला कहां से आया या फिर ये जो स्टेटमेंट है ये कहां से आया वो फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों जो केस है वो कंसिडर किया अपन। तो बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री, तो डायरेक्टली इट रिप्रेजेंट फोर बियरिंग अगर आपकी 180 डिग्री है तो इसके केस में माइनस आएगा। ओके क्लियर है कि नहीं? यस सर। जी सर। तो बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ओके नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चन असाइनमेंट। फटाफट आंसर लिखते रहना, गूगल क्लासरूम में जो ऐड नहीं हुआ है वो ऐड हो जाए, इसका क्वेश्चन का जो आंसर है आपको गूगल क्लासरूम में भेजना है। क्वेश्चन लिखो, करेक्ट दी फॉलोइंग क्वाड्रेट बियरिंग्स इनटू होल सर्कल बियरिंग। फर्स्ट नोट डाउन करो, नॉर्थ 25 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। सेकंड नोट डाउन करो, नॉर्थ 30 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। थर्ड नोट डाउन करो, साउथ 20 मिनट 45 साउथ 20 डिग्री 45 मिनट 15 सेकेंड वेस्ट। फोर्थ वन लिखो, साउथ 50 डिग्री 30 मिनट 20 सेकेंड ईस्ट। इसको चेंज करना है किसके अंदर? होल सर्कल बियरिंग के अंदर। चारों नोट डाउन कर लिया? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके सेकेंड नंबर क्वेश्चन नोट डाउन करो, दी फोर बियरिंग ऑफ दी फोर लाइन्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आर
respectively as given. क्या दे रखा है? AB लाइन की फोर बियरिंग, ओके, वो है 15 degree 30 minute. सेकेंड CD लाइन की 115 degree 45 minute. थर्ड EF की है 250 degree 30 minute. और फोर्थ है आपका GH की दे रखी है नॉर्थ 30 degree 15 minute ईस्ट. ओके, क्लियर? यहां तक नोट डाउन कर लिया? यस सर. ऐसा तो नहीं किसी ने अभी तक बाकी नोट डाउन किया तो मैं थोड़ी देर स्क्रीन को पॉज कर देता हूं. सेकेंड क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करनी है बैक बियरिंग ऑफ द एबो लाइन. जो एबो लाइन जो मैंने बताई थी ABCDEFGH, इनकी बैक बियरिंग्स निकालनी. ओके, यहां तक क्लियर? ओके, सबने नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन? जिसने नोट, ओके ओके. तो नाउ इट इज अवर द क्लास. टुमारो विल बी संडे. आई थिंक आई विल टेक द क्लास सेम टाइम. टुमारो 9 o'clock है. आई विल टेक द सेम टाइमिंग. ओके ओके सर, थैंक यू. ओके, वेलकम.